पुलिस कमिश्नर गोगोल। मैं तिखी खबर से रिपोर्टर लाखा राम बोल रहा हूँ। पब्लिक जवाब चाहती है। जब आपके अफसर बच्चे उठा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? आम उधर में हमारा मोबाइल से वीडियो बना रहा था। अरे बोका पाटा, अगर हम उधर में होता ये सब होने देता? ये आदि मानो तो मेरा जान लेकर रहेगा बावड़ी। उठा लो मत बोलो। ये आदि जब से बच्चा उठाया है ये उठा लो वर्ड से हमको डर लगने लगा रे बाबा। ओ मामू, आप ना बिल्कुल लुल हो। लुल मतलब डरपोक। जरा जरा सी बात से डर जाते हैं आप। जैन सर, आपने मुझे बुलाया। एक बात बताओ, तुमको ये बच्चा किडनैप करने का क्या जरूरत था रे? बच्चा मतलब बच्चा सर, मैंने और किडनैप? क्या 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 कह रहे हैं सर, मैं क्यों कोई बच्चा किडनैप करूंगा? ये क्या है सर, ये दिखाइए मुझे सर। अगर आपको बच्चे इतने ही पसंद थे तो मुझे बता दिया होता, मैं देती आपको बच्चा। व्हाट? अनाथ आश्रम से गोद लेकर देती मैंने बच्चा। ऐसे चुराने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन मैंने बच्चा चुराया नहीं है। अरे ये सर, ये वीडियो नकली है सर। शट अप। हमको बीरबल ने बताया था ये वीडियो ठीक 12 बजे बनाया गया था, एकदम असली है। अभी तुम बताओ, तुम 12 बजे किधर था? हाँ सर, 12 बजे तो मैं यहीं पर। 12 बजे मैं कहाँ था ये एक्चुअली याद नहीं आ रहा सर मुझे। एकदम को याद आ रहा है, मानव ने वैसे जवाब दिया था और उसके बाद मामू ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। मैं मानव नहीं हूँ। तो मानव नहीं है, तुम्हारी है। But you are also suspended. No. Yes. अब आप ड्यूटी फ्री हो गए तो अब आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे। मैं आपके साथ कोई मंदिर वंदिर नहीं आ रहा हूँ। ओके मामू, देखो ना, ये मेरे साथ मंदिर। तुमको जाना पड़ेगा, ये हमारा ऑर्डर है। सर अभी कुछ ही क्षणों पहले आपने अपने मुंह से उच्चारण किया कहकर कि यू आर सस्पेंडेड। ओ अब आप मुझ पे ऑर्डर नहीं चला सकते सर। पर्सनल रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ कि हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये जो हमारा आपद का पुड़िया है, हमारा गुड़िया जो है, इसके आंख में हम आंसू देख नहीं सकता है। ये जो बोलता है वो करो, चलो चलो चलो, बात करो, बात मत करो, चलो। हमेशा आप ऐसे ही करते हैं सर, ऐसे आड़े टेढ़े मुंह बनाकर मुझे आप इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है सर। जो बच्चा भी भाग के गया वो कौन है? मालूम नहीं। अरे इतना गुस्सा आता है। भैया को बताओ ना कि वो लड़का कौन था, उसमें तुम्हारा भी फायदा है। हमारा क्या फायदा साहब, ऐसे सपने दिखा के बेवकूफ मत बनाओ। बेवकूफ? मैं बेवकूफ बना रहा हूँ? कैसे कैसे? आज खुद ही पप्पू को लेके भागे हो और पूछ रहे हो कि पप्पू कौन है। वो जो लड़का भी भागा वो पप्पू है? हाँ। उसको मैं लेके भागा आज सुबह? हाँ। अरे यार, मतलब मैं लेके भागा। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आप थे और दो तीन लोग और भी थे। हाँ। और एक दीदी भी थी, वही तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। दीदी भी थी? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक ठीक,
कौन है यार ये लड़की जो हम पुलिस वालों को फंसाना चाहती है? समझ में नहीं है। चप्पल चोर? नहीं, चप्पल चोरी की जो होता है भाई, चप्पल चोरी कर ली होता है, चप्पल चुरा लेते हैं। बच्चा कैसे चुरा सकता है यार तू? तू तो कम से कम ऐसी बात मत कर, तुझे तो पता है ना कि सच्चाई क्या है, ना तू चप्पल चोर है ना मैं बच्चा चोर, पता है ना? तो फिर क्यों बकवास कर रहा है तू? हम दोनों की वारदात के समय पर एक खूबसूरत सी लड़की हम दोनों के साथ थी। समझ में नहीं आ रहा है खूबसूरत सी लड़की का चक्कर क्या है। मिस्टर आदित्य और मिस्टर मानव। ए बॉस, तुम इससे बात करो, तुम्हारे सीनियर है हम। यू आर सस्पेंडेड गाइस। आई एम द सीनियर नाउ। तो इस बात से एक बात तो साबित होती है कि मौका है वारदात पर आप दोनों किसी लड़की के साथ डेट पे थे। डेट पे? तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हम ऐसी डेट पे थे जिस डेट के चक्कर में कोर्ट में हमारी डेट लग गई? Just checking, boys. Please don't check then. एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये लड़की हम दोनों को फंसाना क्यों चाहती है? अब आप लोगों से तो फंसने से रही, किसी को तो शुरू करना होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है। अरे कॉलेज में लड़कियां मुझ पे मरती थी। एक बार तो अपने कॉलेज की छत से मैं कूदा था, तीन लड़कियां मेरे नीचे आके मर गई। ओए बाबा, इतनी मरती थी। बैड जोक। क्या करे यार, ये हो क्या रहा है? समझ से। हाँ, थैंक यू, थैंक यू सुरेखा। हॉट। तमीज से बात कर, काम वाली है। अरे चाय की बात कर रहा हूँ यार। चाय का कप साफ तो है? आप अपना वाला चेक कर लो, कहीं साबुन तो नहीं छूटा ना गलती से। दिखाई नहीं देता तुम्हें? तुमने ये चाय जानबूझकर गिराई है। नहीं नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं, गलती से गिर गया। गलती से। सारा ध्यान तो हमारी बातों पर होता है, तुम्हारा एक नंबर की जासूस हो तुम। मैं तो पहले से कह रही थी कि ये पूरी की पूरी दाल ही काली है, इसे ना गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाना चाहिए और किसी मोटी से हवलदारनी से उसे पिसवाना चाहिए, जैसे आटा भूनते ना वैसे। अरे क्या बात कर रही हो, कोई चाय गिराने के चक्कर में किसी को गिरफ्तार कर सकता है क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई ना, गिरफ्तार करवाने के लिए चप्पल, बच्चा, कुछ तो चुराना जरूरी है। नहीं मेरी बात मान लो आप लोग, ये ना जानबूझकर इन पे चाय गिरा के इन्हें जला के बाबू मशाय की जान लेना चाहती थी। उड़े बाबू, मेरा मर्डर, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ बाबा। अरे क्या बोलते हैं तू? सुरेखा, 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 मेरी बात सुनो। तुम जाओ किचन में, जाओ जाके ट्रे रखो, जाओ जाओ ना, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ, कुछ नहीं हो, जाओ जाओ जाओ, रिलैक्स यार, रिलैक्स, जाओ ना जल्दी। सुरेखा तुम भी मॉडल वॉक कर रही हो यहाँ पर, क्या है प्रॉब्लम? क्या है? कितनी बार आपको समझाया गया है कि हमारे मामलों में टांग मत अड़ाइए? क्या आपकी बात समझ में नहीं आती आसानी से? चमको नहीं होना चाहिए आपका नाम, चिपको होना चाहिए। तो पक्की गई यार आप तो एकदम? ऐसा ही होना चाहिए आपके साथ। अरे आप कैरी खाओ ना यार अपनी, ये लो। Can I have one? Hey, phone. मेरा फोन। मानव सर, देखो बॉस, मानव और आदि ऐसा कर सकता है, हम कभी सोच नहीं सकता है। दोनों अच्छा लड़का लोग है, देखो एक बात है, कभी भी किसके अंदर घुस के कोई देख नहीं सकता है।
अकेले में कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, किसको मालूम रे? करेक्ट है दादा, अकेले में कौन क्या करता है किसको मालूम है, और कौन किसका गोद में है छुपा? छुपा नहीं दादा, छुपी 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 है, ठीक है, किसको मालूम? ना दादा, पक्का छुपी है। अरे होगा छुपा रे, छुपी है तो छुपी है। देखो बॉस, एक बात सुनो, हमने बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग को देखा है जो देखने में बहुत इनोसेंट है, लेकिन अंदर से क्या बोलता उसको साला वो नॉटी नॉटी नहीं रे, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, ये ऐसा लोग है। कभी बोलेगा तेरे को, ध्यान से सुन मेरे बात, कभी भी किसी का ऊपर अंधा विश्वास मत करो। यस दादा, करेक्ट है, आज के बाद मैं किसी पे अंधा विश्वास नहीं करूंगा। अभी देखो, आदि मानव के ऊपर तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता रे, कानून सब करिए। कभी मेरे को भी अगर गलत पाया, कोई मिस्टेक में मेरे को देखा, मेरे को भी सीधा 3rd degree एक खींच के दो उठा के दा। ना दादा, आपके साथ ऐसा कैसे? ए बात सुनो, होड़ा डरने का नहीं, एक थप्पड़ सीधा, नहीं तो तुम गद्दार कहलाएगा। बोलो भाई। अरे शोर दादा, वेरी शोर। फिर बोलना मत कि मैंने बोला नहीं था। ए तुम अपना फर्ज निभाओ ऑफिसर, फर्ज निभाओ। ओके सर। क्या करता है दादा, आप क्या करते हैं? ये क्या है? ये फोटो है। फोटो में क्या है चैटर? क्या है दादा? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या है और ये मेरा गोद में कैसा आया? आया नहीं दादा, आई आई। तुम्हें पता है बॉस, चैटर को याद ही नहीं है कि ये लड़की उसकी गोद में कहां से आई। अरे हम सच बोलते, हमको मालूम नहीं है। अच्छा, तुम इतने प्यारे से छोटे से गोगुल पोछो पोछो बच्चे नहीं हो कि एक खूबसूरत से लड़के तुम्हारे सामने लहराते हुए चली आई, तुम्हारे गोद में बैठे लोग वीडियो खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला। पता है बॉस ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इतनी बार हो चुका है कि कौन अकाउंट रखता है ना? अरे पहला बार हुआ है। हाँ, इकबाल है जुर्म, इसका मतलब है इन्होंने कुछ किया है। अरे बाबा, मैं पहला बार पकड़ा गया। मतलब किया है और पकड़े गए। अरे चुप, मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है ना चटर, यहाँ है सामने। इधर में ज्यादा क्लियर है, देखो। यस, तुम कमिश्नर होकर भी छी। उड़ी बाबा, छी। क्या हो, किधर से आया, कौन है ये? हमारे रास्ते के 3 सबसे बड़े कांटे आज हमारे रास्ते से निकल गए। ये बधाई हो, बधाई हो। चलो चीयर्स करते हैं। ये लो, है ना खुशी की बात? क्या बॉस, सेलिब्रेशन कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोल के? ये हमारी फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ कुछ और खुलना अलाउड नहीं है। अब देखना हम कितने आराम से उस एरिया के पोर्ट में अपना काम करते हैं। लेकिन बॉस, इन तीनों के जाने से फर्क क्या पड़ेगा? कोई और नए पुलिस वाले आ जाएंगे वहां पर? जो नए आएंगे वो हमारे हिसाब से चलेंगे, वरना हम उनको उनके हिसाब से देख लेंगे। लेकिन ये 3 साले मेरी पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन सारा क्रेडिट जाता है उस लड़की को जो उन तीनों के बीच है और उन तीनों को बेवकूफ बना रही है। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स यार। आमी तुमके भालो बाशी दादा। टेंसा, देखिए दादा, आपसे मिलने कौन आए हैं? ओह नो सर, ये बॉस, ये क्या हुआ सर? निकल लिए। कैसे, कब 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 कब? अभी अभी सारा सा वीडियो क्या निकला, सर ने तो सुसाइड कर ली हो यार।
कंट्रोल कर। नहीं, अभी अभी फोन कर बताया। क्या बताया फोन करके? कि सर रिजाइन कर रहे हैं। तुम पागल हो क्या? पागल हो क्या तुम बॉस? तुम पागल हो? पागल हो तुम? क्यों? तुम पागल ही हो। अरे निकल लिए मतलब क्या होता है? निकल लिए मतलब ऊपर की ओर निकल लिए। तुमने तो यार हमारी जान ही निकाल दी थी। फोटो लगा रखी है सर की यहाँ पर, क्या अजीब आदमी हो? तो सिर्फ फोटो ही लगाई है ना, उसके आगे दिया बत्ती थोड़ी की है। एक बार और तुमने ऐसी बेवकूफी की बात की ना बोस, तो तुम्हारी फोटो मैं खुद लगाऊंगा और उसके आगे दिया भी मैं ही जलाऊंगा। उखाड़ के रख दूंगा मैं। एक मिनट यार, इस समय लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है, हमारे दुश्मन को पकड़ने का है। तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार। बोस तुम एक काम करो, सारे पुलिस के इन्फॉर्मर्स को काम पे लगाओ, पता करो यार वो कौन लड़की है जिसने हमें फंसाया, हमें क्या बल्कि हम तीनों को फंसाया। हेलो कुल्लू जी, कुल्लू जी, सब खत्म हो गया, अब इधर आ जाइए जल्दी से। नहीं चमकू, क्या हुआ, क्या खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया गुल्लू जी, बहस मत कीजिए, बस सब छोड़ के यहाँ पर आ जाइए। अबे चलना होगा, कुछ गड़बड़ है, चल 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 जल्दी चल। सॉरी, क्या हुआ? क्या वो काम वाली बाई इस घर से सारे चांदी के चम्मच चुरा के चली गई। व्हाट? चोरी? लेकिन मेरे घर में तो चांदी के चम्मच है ही नहीं। हमारे हमारे घर में, अब मैं भी यहाँ रहता हूँ ना, तो हमारे बोलना पड़ेगा। हमारे क्या बात है, ऐसी सिचुएशन में भी ऐसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं आप? चलो पूछ रहे तो बता देती हूँ, मेरे वैद्य ने कहा था चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए, उससे मोटापा बढ़ता है, इसीलिए मैं गुल्ले जी आपके लिए लाई थी, आपको गिफ्ट करने के लिए। चमकू जी आप थोड़ी जी क्रैक है क्या? क्यों? मतलब कोई इतना महंगा गिफ्ट बिना बताए दे जाता है क्या? ओहो, मैंने बिना बताए गिफ्ट किया तो आप सड़ रहे, वो बिना बताए सब चुरा के लेके गई, उसका क्या? कोई तो ढूंढ निकालो उस चम्मच चोर को। एक्चुअली हम क्यों ढूंढ निकालें? हमें कौन से दाल चावल खाने उन चम्मचों से? देखिए 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 चमकू जी, देखिए एक बात बताते हैं आपको, क्या है कि हम पर ऑलरेडी मुसीबतों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है, बहुत बड़ा, हजार तरह के मुश्किलों में हम फंस चुके हैं, यहाँ तक कि हमारी वर्दी भी। देखिए इन सब परेशानियों के बीच में आप अपनी ये फालतू की परेशानियां डालकर हमारा टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट तो आप कर रहे कोड़े सिंह जी, सारे मुसीबतों की जड़ तो वो है, आप उसे ढूंढ निकालिए, सारी मुसीबतें अपने आप सुलझ जाएंगी। मुसीबत आप हैं चमको, मतलब कैसे ये? मैम मैं पूरा किस्सा ही खत्म करता हूँ, अभी कमिश्नर सर को फोन लगा के आपकी शिकायत करता हूँ मैं। लेट कमिश्नर सर? नहीं, लेट तो मरने पे होता है ना, लेट नहीं, फॉर्मर कमिश्नर सर, वो कमिश्नर रही नहीं अब। मामू है मेरे, मामू के बारे में बात। सर दरअसल मुझे चमकू के बारे में आपसे कुछ शिकायत करनी है सर। सर दरअसल भी ओके सर, सॉरी सर, यस सर, जय हिंद सर। कोड़े सिंह जी कल ही शिकायत कैसा रहा? हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा रहा, बहुत बड़ा मजा आया मुझे। आपको लग रहा है कि हम तीनों सस्पेंड है, इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है हम पर, लेकिन वो सारी बातें छोड़कर आपकी परेशानियां दूर करें, आपके चक्कर में उस काम वाली बाई को ढूंढे, लेकिन कहाँ मिलेगी काम वाली बाई? मिलेगी, क्योंकि मैंने उसके झोली में आटा डाल के उस झोली में नीचे से छेद कर दिया है। आई बात समझ में? हाँ आ गई, क्या हमारे घर का आटा खत्म हो गया है, अब हमारे घर में रोटियां नहीं बनेंगी, अब हमें दाल चावल ही खाने होंगे, लेकिन खाएंगे कैसे, हमारे घर में चम्मच ही नहीं है। आप ना सस्पेंडेड ही ठीक लगते हैं गुल्ली जी। ये तो काम वाली भाई, ये काम वाली भाई इतनी फटाकड़ी कैसे हो गई? गुल्ले जी मैं यही तो कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप दोनों मेरी बात का मान रहे थे। देखो देखो कैसे कपड़े पहन के आई है कल मोरी। ऐसे कपड़े पहनने से कोई लड़की गलत थोड़ी ना होती है। करेक्ट,
कपड़े नहीं पहने होते तो गलत होती। वेल डन सुरेखा, वेल डन, वेल डन। भाई क्या बात है, तीर सीधा निशाने पर। यू नो व्हाट, सुरेखा का कोई भी वार खाली नहीं जाता। गुड, और उनकी नौकरी चली गई।